हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बात किया था सुबह कि सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी कि शाम तक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक वीडियो मैं डालूंगा, तो वही वीडियो को लेकर के आ गया हूं मैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 को ओपन करने वाला हूं, तो यहां से एक्सेस में टाइप करता हूं और ऊपर आपको ये दिख ही रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये सिनेरियो आता है, हमें यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर दिया ब्लैंक डेटाबेस पर और ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिनेरियो अब आ जाएगा। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है, तो ये स्टूडेंट टी कर दिया हमने और एंटर जैसे ही करते हैं तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो है ये तो प्राइमरी की है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं देने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये देखिए ये दे दिया रजिस्ट्रेशन और ये अंडरस्कोर लगा के नंबर, तो यहां पर हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका डेटा टाइप मैंने रखा ऑटो नंबर, या यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट इज द बेटर ऑप्शन। और यहां पे क्या आएगा, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो यहां हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स का हो गया। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या करेंगे, क्लास की बात कर लेंगे, क्लास या फिर स्ट्रीम की बात करेंगे, आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम है, ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास कर देते हैं, क्लास, तो ये क्लास कर लिया। अब क्लास में हम ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन देने के लिए लुकअप विजार्ड पे जाना होगा हमको, और यहाँ से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे जाकर के फिर यहाँ कॉलम वन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिख देता हूँ 11 और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 12। तो ये दो क्लासेस हो गए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है ना, ये हमारी टेबल बन गई, लेकिन इस टेबल के अंदर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, T123 कर दिया, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो गया रमेश, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नाम है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो ये ड्रॉप डाउन आपको मिल जाता है, तो ड्रॉप डाउन में 11th का बच्चा है कि 12th का बच्चा है ये आप देख सकते हैं, ये हो गया T124, ठीक है। और यहाँ पे राजेश, तो ये दूसरा नाम हो गया, और ये 11th का है कि 12th का है, तो ये यहाँ पे दे दिया हमने। फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर T125 कर दिया इस बार, और यहाँ पर अगला नाम गौरव, तो ये गौरव दे दिया, और फिर यहाँ पर 11th के हैं या 12th के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे चेंजेस होंगे, 126 हो जाएगा और फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा हिना, ठीक है। तो ये किस क्लास की है, तो ये 11th की है, तो यहाँ पे जो भी होता जाएगा वो यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल हमने बना दिया है, अब इसको हम सेव कर देते हैं, स्टूडेंट टी के नाम से ये टेबल बन चुकी है, ठीक है। उसमें ये मैंने आपको दिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने शॉर्ट टेक्स्ट बनाया था, T123 से ये स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरी टेबल बनाएंगे, तो क्रिएट पे जाके टेबल पे जा सकते हैं आप, टेबल डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल टेबल पे चलते हैं और यहां पे क्लिक कर देते हैं। तो एक तो स्टूडेंट की टेबल हो गई, और यहां पर स्टूडेंट आर बना देता हूं, स्टूडेंट आर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आर के नाम से एक टेबल बना देंगे, और यहां पर किसकी बात करेंगे, रोल नंबर की, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो ये रोल नंबर की बात होगी, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है पहले वाले टेबल के अंदर, अभी तो यहाँ पे ये बना रहा हूँ, पहला वाला टेबल ये है हमारा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है यहाँ पे, इसको प्राइमरी की बनाया था, ठीक है, बाकी ये दोनों फॉरेन कीज हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टूडेंट आर के अंदर आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर, और इसमें देखिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अंडरस्कोर लगा के नंबर, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया हमने, ठीक है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, और इसे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है हमको, ठीक है। अब यहां पर आएगा यूनिट टेस्ट 1 का मार्क्स, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में बच्चे आउट ऑफ 100 कितना पाएंगे, वो यहां पे आएगा, और इसको हमें नंबर ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि इसे नंबर डेटा टाइप बना के रखिएगा। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये बच्चे कितना पाएंगे वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसे भी नंबर ही डेटा टाइप रखना है हमें, और ये इंग्लिश में डबल जी हो गया, सिंगल जी रखेंगे। और बाकी यहाँ पर कर देता हूँ अगला सब्जेक्ट, जैसे बायो कर देता हूँ बायो, ठीक है। आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं एट लास्ट फिजिक्स, ये हो गया फिजिक्स, और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है।
केमिस्ट्री कर दिया। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, आप देख सकते हैं यहां पर भी इसको हम नंबर बना लेंगे और यहां पर भी इसको नंबर बना लेंगे और देन यहां पर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल यहां पे हो जाएगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। यहां पे टोटल करने के लिए आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है, काफी ज्यादा यूजफुल, काफी ज्यादा आसान बना देता है आपके काम को। तो यहां पे जो भी सब्जेक्ट है उनके नाम आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। ये ओपन ऑफिस नहीं है ना ही लिब्रा ऑफिस है कि आपको यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय डबल डॉट कोट्स लगाना पड़े, यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट है तो इंग्लिश दे दिया, तीसरा सब्जेक्ट जो भी हो यहां पे दे देंगे, तीसरा सब्जेक्ट है बायो बीआईओ लिख दिया, चौथा सब्जेक्ट क्या है, चौथा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो यहां पे हम फिजिक्स भी लिख देंगे, तो ये हो गया फिजिक्स, ठीक है। तो पांचवा सब्जेक्ट है क्या, पांचवा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो प्लस करके यहां पे सी एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री भी लिख दिया और ये कुल मिला के हो गए सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट लिखने के बाद यहां से ओके कर देना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा टाइप क्या रखा है और क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया, अब इसको मैं यहां से व्यू पे क्लिक करता हूं और यहां से यस कर देता हूं, तो ये रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमको वही डालना होगा, T123 था शायद, यहीं से स्टार्ट था, एक बार चेक कर लेते हैं, T123 जी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट था, तो यहां पे T123 करते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे कंप्यूटर के मार्क्स हैं 45, 66, 77 और यहां फिजिक्स के मार्क्स हैं, फिर यहां केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। तो देखिए यहां पर टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है, तो टोटल हो गया। अब क्या करना है, अब फिर वापिस से आना है यहां T124, ठीक है, और यहां पे अब मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो दो है या तीन रिकॉर्ड्स है ये देखना पड़ेगा, चार रिकॉर्ड्स है तो यहां पर भी हमको चार रिकॉर्ड्स करने होंगे, तो ये हो जाएगा T126, ठीक है, और यहां पर मार्क्स हमको एंटर करवा देने हैं जो भी मार्क्स हो, ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं ये आपका दो टेबल बन गया है। अब दो टेबल्स तो हमारे पास हो गए हैं, अब इन दोनों के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे, तो हमको सीधा सीधा कहां चला जाना है, डेटाबेस टूल्स पर, और ये रिलेशनशिप पे आ जाना है, ठीक है। रिलेशनशिप पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर दोनों टेबल्स नजर आएंगी, यहां से ड्रैग करते हुए इसको यहां ले आइएगा, आ गए, ये पहली टेबल आ गई, ये दूसरी टेबल आ गई, दोनों टेबल्स हो चुकी है यहां पे, ठीक है। तो अब आप अभी आप देखेंगे कि यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक फील्ड तो कॉमन है, ठीक है, और दूसरे में ये प्राइमरी की नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन सबको यहां से इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ट हो जाएगी, ठीक है। और भी टेबल्स होंगी तो और भी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्ट हो सकते हैं, फिलहाल हमारे पास इतना ही है, तो हम इतने ही का रिलेशनशिप क्रिएट करा करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, क्या डिजाइन करेंगे, फॉर्म। तो फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे, तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए देखिए फॉर्म विजर्ड से जा सकते हैं, हम क्या करेंगे मोर फॉर्म पे जाकर के मॉडल डायलॉग इस पे क्लिक कर देंगे, और ये देखिए नीचे ओके कैंसिल का बटन आ गया है, हटा देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर एड एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे चले चलेंगे और यहाँ पे दोनों ही टेबल से चीजें ले लेंगे, जैसे हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से नहीं चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंग्लिश चाहिए, बायो चाहिए, फिजिक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फिजिक्स पे, फिर देन केमिस्ट्री भी चाहिए तो केमिस्ट्री भी ले लीजिए, और देन टोटल चाहिए तो टोटल भी ले लीजिए, और फिर यहाँ पे चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लिया, और यहाँ पे चाहिए क्लास तो ये क्लास भी ले लिया, ठीक है। तो सारी चीजें ले लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको छोटा कर लेना है, ये कर लिया हमने छोटा, और यहाँ से इसको इस तरीके से कर लिया। अब ये देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, और ये चीज जो है यहाँ से बड़ी हो जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके यहाँ होम पे जा करके देन इसको बोल्ड बना दीजिए, और बोल्ड बना करके कलर चेंज कर दीजिए, थोड़ा डार्क में दिखेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये डार्क हो गया, अब ये ठीक दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, एक काम इसमें और रह गया है, तो अभी पहले हम इस ये पूरा काम कर लेते हैं। तो यहां से जाएंगे तो अब व्यू पे क्लिक करेंगे, तो व्यू पे क्लिक करने के साथ ही ये फॉर्म हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाएगा, देख सकते हैं। इसमें चाहे तो हम एक कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स कैसे बनेगा, यहां पर पहले मैं स्टूडेंट एफ कर देता हूँ, स्टूडेंट एफ यानी स्टूडेंट का फॉर्म, ठीक है, तो इसे स्टूडेंट एफ के नाम से सेव किया है। अब इसमें कॉम्बो बॉक्स बनाने की बारी है, कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो पहले तो इस पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेके आते हैं, यहाँ ऊपर कॉम्बो बॉक्स बनाने वाले हैं, तो यहां से चलेंगे
और ये हमारा है कॉम्बो बॉक्स, क्लिक कर दीजिए और यहां पर ड्रैग करवा दीजिए। ड्रैग जैसे ही करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये हमारा फॉर्म है और ये फॉर्म इस तरीके से बन गया है। अभी हम क्या करते हैं, यहां से इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहां से जाना है अब वापस से कहां, क्रिएट पर, और कहां चलेंगे, क्वेरी विजार्ड पे चलेंगे। विजार्ड पे हम एक क्वेरी बनाएंगे ताकि हम जब रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करें, आप देखिए इसमें से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी के बेस पे ही जाना है हमें, तो ये क्वेरी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेंगे तो सारी ही चीजें, ठीक है, लेंगे तो सारी ही चीजें, लेकिन सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ से फिनिश करेंगे तो अभी देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको इसमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो इसको हमें लेना है डिजाइन व्यू पर, ठीक है। इसको हम किस में लेंगे, डिजाइन व्यू पर। तो जो क्वेरी बनी है, जो क्वेरी बनी है स्टूडेंट टी नाम से, तो इसको हम डिजाइन व्यू पर लेंगे, और डिजाइन व्यू पे जैसे ही आते हैं तो यहां पर आपको क्राइटेरिया दिखेगा। तो हम यहां पर फॉर्म्स के अंदर सर्च करेंगे, ये फॉर्म्स हो गया, एक्सक्लेमेशन लगाइएगा, स्टूडेंट एफ नाम से हमारा फॉर्म है, और इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाता है। अब क्या करना है आपको, अब इसको यहां से क्लोज करते वक्त ही सेव कर लीजिएगा। तो ये सेव हो गया, ठीक है। स्टूडेंट आर की हमें जरूरत नहीं, इसको हटा सकते हैं आप, इसको छोड़ देते हैं अभी, रखते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सीधा सीधा रिपोर्ट डिजाइन करना है, तो यहां से जाएंगे और ये जो रिपोर्ट विजार्ड है यहाँ पे आ जाइएगा, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ खाली आपको करना क्या है, T123 ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, जब रिपोर्ट डिजाइन करने जाएंगे तो इसमें मॉडिफिकेशन संभव है, और मॉडिफाई करके यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आप लगा सकते हैं, आसान है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं।